नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मिशन 2022 की बिस्तार भी चुकी है। हर दल अपनी कोशिश कर रहा है कि आगे फतह हासिल करे। इसी कड़ी में हम तमाम विधानसभाओं की बात कर रहे करेंगे तो मयन ऋषि की तपोभूमि मैनपुरी अपने आप में इतिहास को समेटे हुए। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ पूरे देश में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को संघर्ष हो रहा था और वहीं मैनपुरी में इतिहास लिखा जा रहा था। महाराजा तेज सिंह ने ब्रितानिया हुकूमत की फौजों को पराजित कर फतह हासिल की थी। मैनपुरी का गौरवशाली इतिहास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैनपुरी ने जहां अध्यात्म को अपने सीने में जगा दी तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम में भी मैनपुरी का बड़ा नाम उजागर हुआ। आज अपने खास कार्यक्रम में हम मैनपुरी जिले की विधानसभाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मयन ऋषि की तपोभूमि मैनपुरी अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जहां पूरे देश में गुलामी की बेड़ियां तोड़ने को संघर्ष हो रहा था, वह मैनपुरी में इतिहास लिखा गया। महाराजा तेज सिंह ने ब्रितानिया हुकूमत की फौजों को पराजित कर फतह हासिल की थी। मैनपुरी का गौरवशाली इतिहास किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैनपुरी ने जहां अध्यात्म को अपने सीने में स्थान दिया तो वहीं स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। देश की सबसे पुरानी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड पर दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर दूर है मैनपुरी। मई 1857 में जब कानपुर से दिल्ली जा रहे विद्रोही सिपाहियों ने जाते जाते शहर में गदर की चिंगारियां छोड़ दी थी और मैनपुरी सुलग उठा था, शहर के गोला बाजार में टिकी अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाहियों ने बगावत कर दी थी। स्थानीय जमींदार उनसे जा मिले थे और अंग्रेज प्रशासक जिला छोड़कर भाग गए थे। विद्रोहियों ने ठाकुर तेज सिंह को मैनपुरी का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और अक्टूबर 1800 में अंग्रेजों से दोबारा हारने तक लगभग 4 महीने ये जिला आजाद रहा था। तेज सिंह आज भी यहाँ के लोक नायक हैं। गदर तो दब गया पर मैनपुरी के विद्रोही तेवर नहीं दबे। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। साथ ही मैनपुरी षड्यंत्र केस में नामित किए गए गेंदालाल दीक्षित, लक्ष्मण आनंद ब्रह्मचारी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों की कर्मभूमि भी रहा। 15 अगस्त 1942 में जिले के बेवर क्षेत्र में तिरंगा फहराते हुए पुलिस की गोली से 3 सत्याग्रही मारे गए, जिनमें सबसे छोटा 14 साल का कृष्ण कुमार था। इन शहीदों की मूर्तियां बेवर कोतवाली के सामने बने शहीद स्मारक में लगी हुई है और हर साल जनवरी में यहां एक शहीद मेला भी लगता है। राजनीतिक हलकों में सपा का पावर सेंटर माना जाने वाला मैनपुरी आगरा मंडल के 4 जिलों में से एक है। जिले में 4 सीटें हैं, मैनपुरी, करहल, भोगांव और किशनी। किशनी जिले की एकमात्र सीट है जो SC उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित है। कभी लाल परचम भी लहराता था यहाँ। मैनपुरी में स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ साथ कम्युनिस्टों की सक्रियता भी थी और आजादी के बाद CPI यहाँ से चुनाव भी जीती थी। 1942 आंदोलन के शहीद जमुना प्रसाद त्रिपाठी के बेटे जगदीश नारायण त्रिपाठी CPI के ही टिकट पर भोगांव सीट से 2 बार विधायक रहे। 1967 और 1974 में CPI के ही लल्लू सिंह चौहान जिले के घिरोर सीट से 1980 में चुनाव जीते। जगदीश नारायण बाद में CPI की उत्तर प्रदेश इकाई के राज्य सचिव भी बने, लेकिन 1990 में मंडल और कमंडल के उभार के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां अस्मिता की लड़ाई में पिछड़ती चली गईं और फिर कभी अपनी खोई जमीन नहीं ढूंढ पाई। नेताजी नहीं, कुछ और कहलाते हैं मुलायम। यहां देश भर में मुलायम सिंह को नेताजी कहा जाता है, लेकिन अपनी कर्मभूमि मैनपुरी में लोग उन्हें दद्दा कहते हैं। मैनपुरी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है मुलायम सिंह का गाँव सैफई। चौधरी चरण सिंह की शागिर्दी में पिछड़ों की राजनीति शुरू करने के समय से ही यादव बहुल मैनपुरी से उनकी घनिष्ठता बनी रही।
1996 में पहली बार मुलायम मैनपुरी से ही लोकसभा चुनाव जीते थे और बाद में संयुक्त मोर्चा सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री भी बने। तब से 2009 तक मुलायम सिंह ने यहां से चुनाव नहीं हारा। हालांकि 2004 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम ने अपने भतीजे धर्मेंद्र के लिए ये सीट छोड़ी थी। 2014 में मुलायम मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों जगह से लड़े थे और जीते, लेकिन जब एक सीट छोड़ने की बात आई तो उन्होंने मैनपुरी सीट ही छोड़ी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सपा का उम्मीदवार उनके सीट छोड़ने के बाद भी मैनपुरी से नहीं हारेगा, जो कि हुआ भी। मुलायम के पौत्र तेज प्रताप यादव लोकसभा उपचुनाव में आसानी से जीत गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं और विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां इस बार जातीय समीकरण को साधने में जुटी हैं। सत्ताधारी बीजेपी, ओबीसी और दूसरी पिछड़ी जातियों को इन पर नजर गड़ाए बैठी, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव भी अपने कोर वोटर्स के बाद ब्राह्मण मतदाताओं पर डोरे डाल रहे हैं। जबकि यूपी में बेदम दिख रही कांग्रेस में प्रियंका गांधी पूरी तरह से जान फूंकने में जुटी हैं। आइए इसी क्रम में हम आपको अपने खास कार्यक्रम 2022 के विसात में चर्चा करते हैं मैनपुरी जिले के सियासी समीकरण की। मैनपुरी जिले में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से चुनाव की बात कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में कुल 4 सीटें आती हैं, जिनमें मैनपुरी, भोगाम, किश्ती शामिल है। राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी का पावर सेंटर माना जाने वाला मैनपुरी में 2017 में मोदी लहर के समय भी साइकिल जमकर दौड़ी और सपा की झोली में 3 सीटें आई। वहीं बीजेपी को 1 सीट मिल पाई, जबकि बीएसपी और कांग्रेस का मैनपुरी में खाता भी नहीं खुल पाया था। बीजेपी को 1, बसपा को 0, सपा को 3 और कांग्रेस को भी 0 सीट हासिल हुई। वहीं 2012 विधानसभा में मैनपुरी में साइकिल ऐसी दौड़ी कि सबको पछाड़कर 4 की चारों सीटें अपने नाम कर मैनपुरी का रण जीत लिया और वहीं बीजेपी, बसपा और कांग्रेस यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। ।2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जहां पूरे प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन मैनपुरी सीट से अपने प्रत्याशी को हार से नहीं बचा पाए। 2017 विधानसभा चुनाव में मैनपुरी में सपा से राजकुमार यादव ने बीजेपी के अशोक कुमार को 8,800 वोटों के अंतर से हराया था। ।2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के राकेश बाबू ने 55,000 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, तो वहीं बसपा के रामा शाके को 40,700 वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। राकेश बाबू ने 14,200 के अंतर से रामा शाके को हार का स्वाद चखाया था। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी का पावर सेंटर इसे ही माना जाता है। इस सीट पर ना मोदी लहर चलती है ना योगी लहर, इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ मुलायम लहर ही चलती है। मैनपुरी इस सीट को सपा की परंपरागत सीट माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर दर्ज की जीत अपनी और अब इस बार मैनपुरी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो 2022 में जनता ही तय करेगी। लेकिन अगर मैनपुरी की बात करें तो राम लहर और मोदी लहर के बावजूद 1996 से लेकर अब तक ये लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां पूरे प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया, वहीं मैनपुरी सीट से अपने प्रत्याशी को हार से नहीं बचा पाई। मैनपुरी की सीट पर ठाकुर, शाक्य और ब्राह्मण मतदाता अच्छी तादाद में हैं, लेकिन यहां निर्णायक की भूमिका में यादव वोट है जो अपने दम पर ही चुनावी परिणाम को बदल सकते हैं। ओबीसी और मुस्लिम वोट के साथ यादव वोट एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। इस विधानसभा सीट पर अब तक 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पिछले परिसीमन तक ठाकुर वोट ही निर्णायक स्थिति में थे। बीजेपी के अशोक चौहान इसी के चलते 2 बार 2002 और 2007 में यहां से विधायक रहे, लेकिन नए परिसीमन में ठाकुर बाहुल 5 गांव को, जिन्हें यहां पंचवटी कहा जाता है, काटकर करहल,
विधानसभा सीट और अन्य सीटों में शामिल करा दिया गया। इसी के चलते सपाई नेताओं का मानना है कि अब इस सीट से सपा के यादव प्रत्याशियों को ठाकुर प्रत्याशी नहीं हरा सकते। मैनपुरी का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं, चार सीट्स यहां पर और चारों सीट्स पर हम बात कर रहे हैं। यादव वोट्स यहां पर मुख्य माने जाते हैं। मैनपुरी सीट को सपा के परंपरागत सीट माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी, तो लगातार यहां पर विजय है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2022 की विसात के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम मैनपुरी विधानसभा सीट के बारे में बात कर रहे हैं, जहां चार विधानसभा सीट्स हैं। साल 2017 को लेकर हम बात करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव में कई तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी के इस सीट पर कमल खिला। बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे राम नरेश अग्निहोत्री ने सपा के आलोक शाक्य को करीब 20,000 वोट के बड़े अंतर से पराजित कर दिया। राम नरेश को साइकिल के गढ़ में कमल खिलाने का इनाम भी मिला। राम नरेश को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी गई और मैनपुरी में ये एकमात्र सीट ऐसी थी जो बीजेपी जीत पाई। अन्य चारों सीटों पर सपा का ही कब्जा रहा था। ।2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के आलोक कुमार ने जीत दर्ज की थी। आलोक कुमार ने बीएसपी के आशीष सिंह को 30,676 वोटों से हराया था। मैनपुरी का जिक्र आते ही जहन में आता है समाजवादी पार्टी का नाम। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गृह जिले में एक विधानसभा सीट है, भोगांव विधानसभा सीट। 1942 के अगस्त क्रांति के दौरान जिस इलाके के छात्रों ने तेवर दिखाते हुए बेवर के थाने पर तिरंगा फहरा दिया था, कृष्ण कुमार, जमुना प्रसाद त्रिपाठी और सीताराम गुप्ता की धरती भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आती है। देश की आजादी के बाद 1957 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ और कांग्रेस के गणेश चंद्र ने जीत हासिल की थी। वर्ष 1993 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम नरेश अग्निहोत्री ने 92,697 मत हासिल कर जीत हासिल की थी। भोगांव विधानसभा सीट पर लोधी और शाह के बिरादरी के वोटर प्रभावशाली स्थिति में है। भोगांव में ठाकुर यादव ब्राह्मण के साथ ही दलित वोटर भी ठीक ठाक स्थिति में है। अनुमानों के मुताबिक भोगांव विधानसभा क्षेत्र में करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं। तो मैनपुरी विधानसभा के अंतर्गत चार सीट्स आती है। भोगांव विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का गृह जिला 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान कई सारी तस्वीरें सामने हैं और देश की आजादी के बाद 1957 में पहली बार भोगांव विधानसभा सीट पर चुनाव हुए। पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गणेश चंद्र ने जीत हासिल की थी और उसके बाद से समाजवादी पार्टी का ही इस सीट पर कब्जा रहा है। अब बात करते हैं किशनी विधानसभा सीट की। 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर सपा ने जीत हासिल की। सपा के ब्रजेश कुमार ने इस सीट पर जीत हासिल की और वहीं बीजेपी के सुनील कुमार को 16,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 2012 विधानसभा में साइकिल दौड़ी और जीत सपा की झोली में आ गई। 2012 चुनाव में सपा के ब्रजेश कठेरिया ने 77,000 वोट लेकर जीत दर्ज की और दूसरे स्थान पर रही बीएसपी की संध्या को 44,000 वोट ही मिल पाए और वहीं 13,000 वोटों के साथ बीजेपी के सुनील कुमार तीसरे स्थान पर रहे। किशनी सुरक्षित सीट सपा की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। 1991 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद इस सीट पर सपा प्रत्याशी ने ही जीत हासिल की थी। किशनी सीट पर दलित मतदाताओं में सबसे ज्यादा संख्या कठेरिया वोटरों की है, जिसके बाद जाटव और दिवाकर समाज के लोग आते हैं। यादवों का वोट यहां पर भी अच्छी संख्या में है, जबकि पतारा क्षेत्र में ठाकुरों का वोट भी कम नहीं है।
शाह के वोटर भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और किशनी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,64,000 है। ये सीट यादव बाहुल्य सुरक्षित है। कहा यह जाता है कि सपा के नाम पर टिकट किसी को भी दे दिया जाए, जीत उसी की होती है। यही कारण है कि 24 साल से इस विधानसभा सीट पर सपा का ही झंडा लहर रहा है। किशनी का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं, 24 साल से इस विधानसभा सीट पर सपा का ही झंडा लहर रहा है। तो किशनी सीट सपा की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। देखने वाली बात होगी कि 2022 विधानसभा चुनावों में किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। क्या इतिहास समाजवादी पार्टी दोहरा पाएगी इन सीटों पर या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं करहल सीट की। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार सोबरन सिंह यादव ने 1,04,200 वोट पाकर बीजेपी के राम शाक्य को 38,400 वोटों के अंतर से शिकस्त दी थी। बसपा ने दलवीर को यहां से उम्मीदवार बनाया था और वहीं आरएलडी ने यहां यादव वोट में सेंध मारने के लिए कौशल यादव को उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा चुनाव में सपा के सोबरन सिंह यादव ने 92,500 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। दूसरे स्थान पर रहे बीएसपी के जयवीर सिंह जिन्होंने 61,600 वोट हासिल किए। वहीं तीसरे स्थान पर 13,100 वोटों के साथ बीजेपी के अनिल यादव रहे। मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट पर भी सपा का वर्चस्व है। 2007, 12 और 17 लगातार 3 बार के विधानसभा चुनावों में यहां से सपा की जीत दर्ज हुई है और अब 2022 में इस सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि फिलहाल इस सीट पर सपा की ही लहर चल रही है। करहल विधानसभा सैफई से करीब ही है। यहाँ सपा मुखिया के परिवार का दखल काफी रहता है। लंबे समय से मैनपुरी के लोग मैनपुरी इटावा के बीच रेल लाइन की मांग भी कर रहे हैं। तो करहल विधानसभा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट बताई जाती है। इस सीट पर भी सपा का वर्चस्व है। सैफई के बिल्कुल करीब बताई जाती है ये विधानसभा सीट। 2007, 2012, 2017 लगातार 3 बार सपा ने यहां पर जीत दर्ज की है। करहल सीट पर सपा मुखिया के परिवार का काफी दखल रहता है और लंबे समय से लोग मैनपुरी इटावा के बीच रेल लाइन की भी मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।